ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत दिनांक 21 जून 2021 को थाना देवबंद में हुई 8 लाख रुपए की लूट का अनावरण आज सहारनपुर पुलिस लाइन के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चरप्पा ने प्रेस वार्ता कर किया। उन्होंने बताया कि थाना देवबंद के लाल वाला रास्ते पर शमशान घाट के निकट किसान सहकारी समिति लिमिटेड चड्डौदा जटके के डर सचिव विनोद कुमार त्यागी के साथ 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचे दिखाकर और जान से मारने की धमकी देकर उनका बैग जिसमें 8 लाख की धनराशि, रसीद, खाद गोदामों की चाबियां, समिति के सदस्यों की पासबुक, कैश एंड कैरी और सेफ की चाबी को लूटकर भाग गए थे, जिसके संबंध में पीड़ित ने लिखित तहरीरी थाना देवबंद में दी थी, जिस पर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए थाना देवबंद पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। क्राइम ब्रांच एवं थाना देवबंद पुलिस के अथक प्रयासों द्वारा मंडी समिति से नूरपुर जाने वाले रास्ते से इस घटना को कारित करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 छात्र लुटेरों को लूट के 5,82,000 रुपए सहित पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने उपरोक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। इसी महीने 21 तारीख को थाना देवबंद के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो ग्रामीण बैंक रहते हैं उसके कर्मचारी से 8 लाख रुपए बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए थे। इसमें हमारे जो एसओजी टीम और थाना टीम अथक प्रयास करके इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग को भी पकड़ा गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 8 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। इन लोगों के पास जो नाजायज असलाहा और जो लूटे गए जो पैसों में 5,82,000 रुपये अभी तक बरामद हुआ है और जो कारतूस बरामद हुआ है इनके पास से। तो ये इसमें एक कर्मचारी वहाँ भी काम करता था उसी ग्रामीण बैंक पे, वो भी इसमें रिकी करने में और ये बदमाशों में सहयोग देने में उनका रोल है और उनका भी गिरफ्तारी किया गया है। और शेष अभियुक्तों के पास जो बचे जो पैसा है वो है, उनका गिरफ्तारी करने के लिए टीम गठित किया गया है और पूरी टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। पुराना इतिहास, हाँ पुराना इतिहास है इन लोगों का। अभी हाल ही में इसमें 302 में इसका विकास का जो है और अन्य अभियुक्तों का भी क्रिमिनल इतिहास है और इनका और मतलब कौन कहाँ कहाँ इनका कनेक्शन है इसमें काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी।